ये वीडियो आपने शुरू किया है, इसका मतलब कहीं तो भी आप भी ये जानना चाहते हैं, या आपको भी हो सकता है कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, और डाइजेशन से रिलेटेड या फिर पाइल्स, फिशर या फिशुला के जैसी कोई तकलीफ है, और आप जानना चाहते हैं कि क्या सचमुच टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से डाइजेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, पाइल्स होता है, फिशर होता है या फिशुला होता है। तो दोस्तों, सिर्फ पाइल्स, फिशर या फिशुला ही नहीं, काफ़ी ऐसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी है जो अगर आपको बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है, तो हो सकती है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको भी कहीं ना कहीं कोई प्रेशर है, तो ये वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ कि स्ट्रेस का, टेंशन का आपके शरीर के ऊपर, आपके डाइजेशन के ऊपर क्या परिणाम होता है और क्या करना चाहिए आपने, ताकि अगर आपको ऐसी तकलीफें हैं तो आप इससे पूरी तरह से राहत पा सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी अच्छी अच्छी टिप्स मेरे चैनल पर मैं देते रहता हूँ। अगर आप भी इस तरह की टिप्स लेना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आज हम समझने वाले हैं क्या टेंशन का या स्ट्रेस का हमारे डाइजेशन के ऊपर कुछ परिणाम होता है, और क्या इस टेंशन की वजह से पाइल्स, फिशर या फिशुला के जैसी तकलीफें होती है। आइए जानते हैं। आजकल मैं देखता हूँ काफ़ी लोग बहुत ही परेशानी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रहते हैं, परेशान रहते हैं, और फिर ऐसे में अगर उनको पाइल्स की तकलीफ़ हो जाए, फिशर की तकलीफ़ हो जाए, तो जो सामने आए वो उपाय करते हैं, इमीजिएटली रिजल्ट मिले ऐसे भी काफ़ी उपाय करते हैं। कुछ लोग तो यूट्यूब पे जाते हैं, इमीजिएट पाइल्स से कैसे फ्री हो सके, कैसे इससे ठीक हो सके, ऐसे भी वीडियो सर्च करते हैं, क्या क्या उपाय करके नहीं देखते, और फिर भी उनकी तकलीफ़ें कम नहीं होती है। तो स्ट्रेस का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर क्या परिणाम होता है, ये पहले समझते हैं। सबसे पहली बात तो, अगर आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, तो क्या होगा, मचलाहट होना, नॉशिएटेड होना, कभी कभी उल्टी आ जाना, या फिर डाइजेशन का बिगड़ जाना, और इसकी वजह से कंस्टिपेशन होना, कब्ज हो जाना, या फिर कभी कभी इसके उल्टा भी होता है। बहुत सारे लोगों में टेंशन की वजह से डायरिया की शिकायत भी लगती है, यानी कि दस्त लगते हैं, बहुत बार उनको लैट्रिन को जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से उनके जो इंटेस्टाइन है, उनके जो आते हैं, वो डिस्टर्ब होने लगती है, उनका डाइजेशन बिगड़ जाता है, और पाइल्स की तकलीफ उनको हो सकती है। दूसरा जो परिणाम स्ट्रेस की वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर होता है, वो होता है शरीर में डाइजेस्टिव जूस जो है, जो एसिड तैयार होता है, ये एसिड हमारे खाए हुए खाने को पचाने का काम करता है, इसका प्रमाण कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनडाइजेशन, अपचन हो जाता है, डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है। तीसरा परिणाम जो डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसकी वजह से होता है, वो होता है पेन होना, दर्द होता है कुछ कुछ लोगों के पेट में, स्ट्रेस के कारण ये होने लगता है, उनको पता ही नहीं चलता है, वो काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस भी कर लेते हैं लेकिन फिर भी दर्द रहता है, तो ये दर्द भी स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या फिर ब्लॉटिंग होता है, पेट फूल जाता है, फूल जाना, डिस्कम्फर्ट होना, ये परिणाम भी स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से आगे चल के डाइजेशन डिस्टर्ब होता है और पाइल्स या फिशर हो सकता है। चौथा परिणाम जो स्ट्रेस का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे होता है, वो होता है GI डिसऑर्डर्स, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल काफ़ी बीमारियाँ है, जैसे IBS है, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम है, ये एक बीमारी हो सकती है, या फिर GERD करके बीमारी होती है, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स। तो ऐसे जो बीमारियां हैं, ये भी स्ट्रेस की वजह से बढ़ जाती है, जिस वजह से पूरी तरह से डाइजेशन खराब होने लगता है, और बाद में आगे चल के पाइल्स या फिशर की जैसी तकलीफें होने लगती है। स्ट्रेस की वजह से हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी जो बीमारी से लड़ने की जो ताकत होती है, वो भी कमज़ोर होने लगती है, वो भी कम होने लगती है, और जिसकी वजह से भी आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो सकता है। ये तो हो गया डायरेक्टली स्ट्रेस का जो परिणाम है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या होता है इसके बारे में। उसी तरह से दूसरे वे में भी देखिए, अगर आदमी स्ट्रेसफुल है, परेशान है, तो क्या होगा, एक जगह बैठे रहेगा। आपने स्ट्रेसफुल इंसान को बहुत ही एक्टिव नहीं देखा होगा, क्योंकि वो अपने विचारों में खोए रहते हैं, परेशान रहते हैं, और इन परेशानियों की वजह से उनकी जो पूरी सिस्टम है, उनकी जो पूरी बॉडी है, स्लो होने लगती है, और डाइजेशन भी स्लो होने लगता है, और जिसकी वजह से स्लो डाइजेशन के चलते हुए कंस्टिपेशन या फिर कब्ज शरीर में निर्माण होने लगता है, और आगे चल के पाइल्स या फिशर की जैसी बीमारियाँ भी पैदा होती है। उसी तरह से आपने देखा होगा, जो स्ट्रेस में रहने वाले लोग हैं, वो बहुत खाने लगते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है, वो टेंशन में, अपने ही थॉट में है, और खाना शुरू है,
तो इसकी वजह से उनका वेट भी बढ़ता है, ज़्यादा खाना खाने की वजह से पेट में पचन डिस्टर्ब हो सकता है, डाइजेशन डिस्टर्ब हो सकता है, इससे फिर से वही तकलीफें होती है। और एक बात आपने ऑब्जर्व की होगी, अगर आप स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, तो आपका खुद की तरफ, शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं रहता है। ज़रा देखिए उन लोगों को जो बहुत परेशानी में रहते हैं, उनका खुद की तरफ ध्यान कम रहता है, कुछ भी खाने लगते हैं। वो इसलिए खाते हैं क्योंकि पेट भरना है। फिर क्या हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है, शरीर के लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं देखते, बस खाने लगते हैं। तो एक तो वेट बढ़ जाएगा, डाइजेशन बिगड़ जाएगा, गैसेस पेट में पैदा होने लगेंगे, फ्लैचुलेंस होने लगेगा, और जिसकी वजह से पाइल्स, फिशर या फिशुला के जैसी तकलीफें बढ़ने लगती है। स्ट्रेस में इंसान खुद से प्यार नहीं करता, इसीलिए शरीर के लिए जो अच्छा है वो करने की बजाय जो मिल जाए वो खाना शुरू कर देता है। अब सबसे ज़रूरी बात ये जानना है कि अगर आपको स्ट्रेस है, टेंशन है, और ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इसमें से आप कुछ ना कुछ फेस कर रहे हो, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रहे, तो अभी करना क्या है, इसका क्या उपाय है, इसको ज़रा अच्छे से समझिए। पहला और इम्पॉर्टेंट उपाय है, अगर आपको स्ट्रेस है तो अच्छे और पॉजिटिव दोस्त बनाइए, अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू करिए, उनके साथ घूमना शुरू कीजिए, उनके साथ बातें करना शुरू कीजिए, ताकि आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो भी सकारात्मक हो जाए, वो भी पॉजिटिव हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको करना है, ऐसे लोगों के साथ या फिर ऐसे कोई भी दोस्त है जो सुबह घूमने जाते हैं, या जब भी आपका शेड्यूल हो, अगर आपको सुबह नहीं होता है तो शाम को भी आप घूम सकते हैं। कभी भी दिन में 45 मिनट्स तक के, 45 मिनट तक के आपको चलना है। शुरुआत में तकलीफ हो सकती है, लेकिन ये आदत आपको डालनी ही डालनी है, इससे दुगना फायदा होगा। पहले तो आपका टेंशन, स्ट्रेस कम हो जाएगा, दूसरी बात आपका डाइजेशन अच्छा होने की वजह से अगर आपको पाइल्स, फिशर या फिशुला की तकलीफ है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। पाइल्स, फिशर और फिशुला के ऊपर मेरे काफ़ी वीडियोस हैं, ये क्यों होता है इसके ऊपर मेरा वीडियो है, इसके लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए इसके ऊपर भी मेरा वीडियो है, तीनों में क्या फ़र्क है इसके लिए भी मेरा एक अलग से वीडियो है, ऐसे काफ़ी वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, सभी वीडियोस आप देखिए। और अगर आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो ये सारे वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगे और पूरी तरह से ठीक होने के लिए आपको मदद करेंगे। तीसरा इम्पॉर्टेंट उपाय आपको करना है, एक नई आदत डालना है, और वो आदत है फल खाने की आदत। ऐसे फल देखिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स है, रोज़ एक फल कम से कम आपको खाना है। हरी सब्जियां भी आपको ज़्यादा खाना है, लेकिन फल खाने की आदत लगा लीजिए। अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं उसमें एक फल आपने खाना ही चाहिए, सीजनल फ्रूट, जो सीज़न में जो फ्रूट आपको मिलता है वो खाइए। चौथी और इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप होम्योपैथी की ट्रीटमेंट लीजिए। आपने देखा होगा होम्योपैथी के जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको डिटेल में हिस्ट्री पूछते हैं कि आपको ये तकलीफ़ हो क्यों रही है। इसका कारण ये होता है कि वो जड़ तक पहुँचते हैं। पहली बात तो वो देखते हैं कि फिजिकल कॉज क्या है, किस वजह से ये तकलीफ़ हो रही है। दूसरी बात देखते हैं कि मेंटल कॉज क्या है, आपके इमोशंस किस तरह के हैं, आपको क्या कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है जिसकी वजह से ये तकलीफें हो रही है। और होम्योपैथी में पूरे शरीर का स्टडी करके ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जो भी डॉक्टर आपके आसपास है, कोई अच्छे डॉक्टर है, उनसे आप सलाह कर सकते हैं, मुझसे भी आप कंसल्टिंग कर सकते हैं। आप फ़ोन मत कीजिए, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया है, मेरी कंसल्टिंग भी आप ले सकते हैं। सो अगर आपको स्ट्रेस है, टेंशन है, तो उसका इलाज कीजिए, स्ट्रेस को, टेंशन को ज़िंदगी से दूर भगाइए, होम्योपैथी लीजिए, ताकि आप जड़ से पूरी तरह से अच्छे से ठीक हो सके, क्योंकि स्वस्थ रहना आपका अधिकार है। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।